नमस्कार, मैं हूं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। चंदा मांगकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी मिताली। किसी ने सही कहा है, इंसान अगर ठान ले तो वो किसी भी मुकाम को आसानी से हासिल कर लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पटना विश्वविद्यालय में पढ़ी मिताली ने। दरअसल मिताली का सपना एकांकगुआ पर फतह हासिल करना था, जिसके लिए उन्हें लगभग 6 लाख रुपए की राशि चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने अपने कॉलेज में ही चंदा मांगना शुरू किया। पैसे पूरे होते ही उन्होंने 13 जनवरी को अपना सपना आखिरकार पूरा कर लिया और अकेले अमेरिका के एकांकगुआ पर तिरंगा फहराया। हमारी यही शुभकामना है कि मिताली इसी तरह देश का नाम विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर रोशन करती रहे। 15 हेलीकॉप्टर से ली जाएगी श्रृंखला की तस्वीर। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत 19 जनवरी को अब तक की सबसे लंबी बनने वाली श्रृंखला की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आसमान से की जाएगी, जिसके लिए बिहार सरकार ने 15 हेलीकॉप्टर को इस काम के लिए आवंटित किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोजित होने वाली इस श्रृंखला का अहम उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा से अवगत करवाना है और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार को मिले 3 पुरस्कार। केंद्र सरकार और यूपी की सरकार द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद की जयंती के कार्यक्रम में बिहारियों की प्रतिभा देखी गई, जहां पर आयोजित इस 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार के नौजवानों को 3 विधाओं, तबला, बांसुरी वादन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन एकल प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया गया। ज्ञात हो इन 3 श्रेणी में बिहार के इन युवाओं को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। अब परीक्षार्थियों के सामने खोले जाएंगे प्रश्न पत्र। यह ऐलान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की है, जिसके तहत परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक होने जैसे मामलों को नजरअंदाज करने के लिए सीबीएसई ने यह कदम उठाया है। सीबीएसई के इस ऐलान के बाद अब 10वीं और 12वीं की होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों के सामने ही क्वेश्चन पेपर के फाइल को खोला जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई ने सभी केंद्रों को अधिसूचना जारी कर दी है। नए सत्र से बिहार के सरकारी स्कूल के छात्रों को रट्टा मार पढ़ाई से मिलेगा निजात। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। शुरू होने वाले अब नए सत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों को पढ़ाए जाने वाले सभी चैप्टर में एक विशेष QR कोड रहेगा, जिसको स्कैन करके सभी छात्र उस चैप्टर से जुड़ी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अब सभी छात्र वहां दिए गए लिंक पर जाकर चैप्टर से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की इस पहल से रट्टा मार पढ़ाई से छात्रों को छुटकारा मिलेगा, साथ ही छात्रों को पाठ समझने में भी आसानी होगी। इस 7 ट्रेनों का परिचालन अब होगा बदले रूट से। स्टेशनों पर सिग्नल सिस्टम अपग्रेड किए जाने की वजह से 23 जनवरी तक पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में डायवर्जन किया गया है, जिसके तहत गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 5, 5 राजेंद्र नगर जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस 18 और 21 जनवरी को बदले रूट से चलाई जाएगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 7, 5 पूरी नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस 1, 3, 0, 0, 5 हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल 1, 2, 3, 5, 6 जम्मू तवी राजेंद्र नगर अर्चना एक्सप्रेस 1, 3, 1, 6, 8 आगरा कैंट कोलकाता एक्सप्रेस 1, 2, 8, 7, 6 नई दिल्ली पूरी नीलांचल एक्सप्रेस और 1, 3, 0, 0, 6 अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल का परिचालन बदले रूट से किया जाएगा। ऑल इंडिया चित्रांकन प्रतियोगिता में लखीसराय की आकांक्षा ने मारी बाजी। साल 2019 में हुए ऑल इंडिया चित्रांकन प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल की 5वीं कक्षा के छात्रा आकांक्षा कुमारी को जिला स्तर पर ग्रुप बी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल के ही क्लास 2 के हर्षराज और क्लास 3 के माधव कुमार को विद्यालय स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही स्कूल के पेंटिंग विषय के शिक्षक को भी प्रमाण पत्र देकर इन छात्रों को तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के नाम की हुई घोषणा। 19वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए भागलपुर की टीम 21 जनवरी को बीहपुर से रवाना होगी, जिसके लिए भागलपुर जिला कबड्डी संघ के प्रवक्ता सूरज कुमार, सचिव गौतम कुमार ने टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें सपना, शिखा, गीतांजलि, तेत्री, सविता, सोनम, सोनी, मुस्कान, रूबी, शिवानी, साक्षी, अनु, रानी समेत कई खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। पटना के महावीर मंदिर का अब कर सकेंगे लाइव दर्शन। अब पटना महावीर मंदिर का दर्शन आम जनता लाइव भी कर सकती है। मंदिर प्रबंधन और रिलायंस जियो के बीच हुए समझौते के बाद लोगों के लिए यह सुविधा जियो मोबाइल और जियो टीवी पर उपलब्ध करवाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नई योजना का शुभारंभ पटना के राज्यपाल फागू चौहान ने किया। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि इस नई योजना के साथ ही पटना का यह महावीर मंदिर अब समूचे पूर्वी भारत का पहला मंदिर बन गया है, जिसका प्रसारण सीधा लाइव किया जाएगा। सारण में खुले 45,005 खाते। बेटियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस योजना से जुड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं से अपील भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक सारण जिले में 45,005 खाते खोले जा चुके हैं, जिसकी जानकारी प्रवर डाक अधीक्षक SP सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि खोले गए सभी खाते की देखरेख भी सुचारू रूप से की जा रही है।
सिपाही बहाली परीक्षा की नई तारीख अब 20 जनवरी को होने वाले सिपाही बहाली परीक्षा को स्थगित किए जाने के बाद सभी छात्र अगली तारीख के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्थगित की गई इस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय चयन परिषद ने यह भी कहा है कि दूसरे चरण की इस परीक्षा का आयोजन जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में करा दिया जाएगा। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत। इस चुनावी साल में सभी पार्टियों के अलग अलग रंग नजर आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत इस नए साल के शुरू होते ही हो गई है। वहीं गठबंधन दलों के बीच भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव के भ्रमित बयान का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा ये 3-4 महीने में तय किया जाएगा, अभी इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन दल ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार वही होंगे। अब आइए जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के सिमरिया में हुआ था। दिनकर के नाम से प्रसिद्ध रामधारी सिंह पेशे से एक कवि निबंधकार थे, जिनकी गिनती आधुनिक हिंदी कवियों में की जाती थी। रामधारी सिंह दिनकर को कविता की दुनिया में पहचान उनके द्वारा आजादी से पहले लिखी गई एक राष्ट्रवादी कविता से मिली, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। 1974 में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामधारी सिंह का नाम आज भी कवियों की गिनती में सबसे ऊपर आता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए निकाली रिक्तियां। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए कुल 35 सीटों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो योग्य अभ्यर्थियों के पास टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी को गेट 2019 के सीई पेपर में भी क्वालिफाइड होना होगा। इन पदों के लिए अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी तक dailymetrorail.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पारू में खुदाई से मिले 21 प्राचीन सिक्के। यह वाकया है मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड का, जहां नेकनामपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 4 में हर घर नल जल योजना के तहत हो रही खुदाई में एक छोटे से घरे में 21 चांदी के प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिसको देखने के लिए आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। लोगों का सिक्के को देखकर अनुमान है कि यह सिक्का मुगलों के समय का है। इंटरनल असेसमेंट में ओवरराइटिंग अब सीबीएसई नहीं करेगा स्वीकार। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को 12वीं कक्षा का इंटरनल असेसमेंट भेजने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी सीबीएसई स्कूल को 7 फरवरी तक इंटरनल असेसमेंट की कॉपी बोर्ड को भेजनी है। मगर सीबीएसई ने असेसमेंट की मांग के साथ साथ सभी स्कूलों को यह सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्कूल द्वारा भेजे जा रहे असेसमेंट में ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बोर्ड उसे स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि इंटरनल असेसमेंट केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार पर्यावरण को लेकर कही ये बात। पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य पर काम कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पर्यावरण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत बिहार संग्रहालय सभागार में केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के 2 दिवसीय बैठक में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान में पर्यावरण के अनुकूल ही हम विकास का काम कर रहे हैं, चाहे वो जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाना हो या फिर बिहार में इलेक्ट्रिक कार के उपयोग को बढ़ावा देना हो। हर काम पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सुशील मोदी ने की भाजपा की वाहवाही। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं भाजपा की तारीफ करने का। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, जहां उन्होंने मौजूदा जनता को सीएए को लेकर जागरूक किया। इस सभा की सबसे खास बात यह रही कि सभा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या विरोध करने वाली जनता से ज्यादा दिखी, जिसको देखते हुए सुशील मोदी ने यह कहा कि भाजपा विरोध में खड़े लोगों से ज्यादा समर्थन करने वाले लोगों को एक साथ खड़ा करने का सामर्थ्य रखती है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। तेजस्वी यादव ने ओवैसी पर कसा तंज। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के कारण हमेशा नेताओं की बयानबाजियों का कारण बनते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल खरमास खत्म होते ही अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले तेजस्वी यादव किशनगंज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा है कि बाहर से कुछ नेता यहां आते हैं और भ्रम फैलाकर चले जाते हैं। ओवैसी जी अपने राज्य तेलंगाना में ये क्यों नहीं कहते कि वो वहां एनपीआर लागू नहीं होने देंगे? उन्हें बिहार आकर लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रृंखला की तस्वीर हेलीकॉप्टर से खींचे जाने के ऐलान पर घिरे नीतीश। 19 जनवरी को आयोजित होने वाले श्रृंखला की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आसमान से किए जाने के आदेश पर अब विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत राजद सुप्रीमो लालू यादव ने की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि बाढ़ राहत के लिए तो आज तक कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 हेलीकॉप्टर को काम पर नहीं लगाया, मगर इस झूठी यात्रा की फोटो खींचने के लिए 18 हेलीकॉप्टर मंगवाए गए हैं। वाह, सही है।
दिल्ली में इन चार सीटों पर राजद उतारेगा अपने प्रत्याशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय शेष है। इस चुनाव में इस बार बिहार की राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन देखने लायक रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी गठबंधन की सरकार बनाकर दिल्ली विधानसभा के चुनावी मैदान में खड़ी हो रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के साथ दिल्ली में अपनी किस्मत आजमा रही राजद पार्टी ने चार सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत राजद इस बार करावल नगर, बुरारी, उत्तम नगर और पाल में अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। व्हाट्सएप यूजर्स को मिली राहत। कुछ ही दिनों पहले व्हाट्सएप के फीचर्स में होने वाले संभावित बदलाव को लेकर यूजर्स काफी ज्यादा असमंजस में थे। दरअसल कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ने एक खबर जारी की थी, जिसके तहत जल्द ही व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में विज्ञापन दिखाई देने की बात कही गई थी। मगर अब सभी यूजर्स को राहत देते हुए व्हाट्सएप ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐप में इस तरह की कोई बदलाव नहीं की जाएगी। जेफ बेजोस ने हिंदी में दोहराया शाहरुख खान का डायलॉग। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस कुछ दिनों पहले भारत दौरे पर थे, जहां वो बिजनेस से जुड़े काफी सारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके साथ ही जेफ शाहरुख खान और जोया अख्तर के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो के मेगा इवेंट का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने शाहरुख खान के साथ मिलकर खूब सारी मस्ती की, जिसके दौरान उन्होंने शाहरुख खान की एक फिल्म के डायलॉग को रिपीट करते हुए अपने अंदाज में हिंदी में कहा कि जेफ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि जेफ को नामुमकिन शब्द बोलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने इसकी जगह इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल किया। संन्यास की खबरों के बीच धोनी ने शुरू किया अभ्यास। बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी की संन्यास की खबर तेज हो गई है। लेकिन एक तरफ धोनी है जो कुछ कहने से ज्यादा अपने खेलने पर भरोसा दिखा रहे हैं। तमाम कयासों के बीच धोनी घरेलू टीम झारखंड के साथ अभ्यास करते नजर आए और ये कहा जा रहा है कि वे प्रतिदिन अभ्यास करते नजर आएंगे। हो सकता है कि धोनी ने आईपीएल को लेकर अभ्यास शुरू किया हो, लेकिन उनके अभ्यास को देखकर उनके फैंस को शायद थोड़ी उम्मीद जगी है कि वे भारत के लिए फिर से खेलते नजर आ सकते हैं। दिल्ली में भाजपा जदयू की दोस्ती का हुआ करार। अगले महीने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जदयू और भाजपा एक साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली में पहली बार अपनी किस्मत आजमाती जदयू भाजपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। वहीं राजद की बात करें तो राजद इस बार दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर उतरने वाली है, जिसकी औपचारिक घोषणा आने वाले 2-3 दिनों में हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किस हस्ती ने बिहार का नाम ऊंचा किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।